और उसके बाद एक काउंटर हमने यहाँ पर बना दिया है। तो ये हमारी अपनी विश है कि हम इसे बार की तरह रखना चाहते हैं, किस तरीके से रखना चाहते हैं। कई बार घर में पार्टी करने का मन होता है, अपना घर है, जैसे मर्जी पार्टी कीजिए, तो यहीं पे आप सारी डिशेस रख के सर्व कर सकते हैं। एरिया काफ़ी अच्छा खासा है, बाहर जाके पार्टी करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है। लुक्स आपकी क्लियर रहेंगी, नीचे टास्क लैंप है, प्लस यहाँ पर आपका चूल्हा हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसके साथ आपका जो है फैबर की तरफ से आपकी चिमनी आपको मिल जाएगी, जो कि टच भी है और सेंसर्स के साथ ही काफ़ी हद तक ये चल जाती है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, झूमर हमें नज़र आता है, इसके साथ ऊपर वो सनरूफ नज़र आती है जहाँ से लाइट पूरी अच्छे खासी नज़र आ रही है। और इनके अगर सत श्रीकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बासचक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों हम ना हमेशा एक चीज़ सोचते हैं कि हमारा घर एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर हमें आस पास सारी चीज़ें मिले, साथ में ही ना एक थोड़ी पीसफुल लोकेशन हो, हम घर पे अंदर बैठे ना सारा दिन हमें पीपी पापा की आवाज़ ना सुने और रिलैक्स हमारी लाइफ आराम से यहाँ पर बीते। क्योंकि एक आध कई बार छुट्टी का दिन आता ना तो मन यही होता कि रिलैक्स रहे हम। दोस्तों घर आज में कुछ ऐसे ही देखने वाले हैं हम, और आज के घर में ना एक खास चीज़ और होने वाली है कि घर आपका जो रहेगा 200 गज का रहने वाला है, सुपर लग्जरी सेगमेंट आपको मिलने वाला है। ग्रीनरी आसपास बहुत मिलने वाली है, घर के अंदर भी बहुत मिलने वाली है, और आपको मैं बता देता हूँ घर में आपको बार वाला सेगमेंट भी पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते चलते हम सारी बातें क्लियर कहाँ करेंगे, कहाँ पर है, कैसा है, क्या है सब। सो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आपके घर के बिल्कुल सामने, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल लोकेशन आपके लिए। सो दोस्तों बेंच भी हमने इसी हिसाब से रखा हुआ है ताकि जब भी आप यहाँ पर आए ना तो इस लोकेशन का, इस जगह का पूरा मज़ा ले। डेवलप एरिया रहने वाला है, रोड्स आपकी बनी हुई हैं, आसपास के घर सारे बने हुए हैं, और ठीक जो आपका अपना घर है ना वो भी बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। तो पेश है आपका 200 गज का घर जिसका 30 फीट का वाइड फ्रंट है और 60 फीट की इसकी डेप्थ रहने वाली है। और इस 30x60 के अंदर ना वाकई बहुत कुछ किया है, पाँच बेडरूम्स को एक बड़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया, प्लस ड्रेसिंग एरियाज़, फैमिली लॉन्ज, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, हर चीज़ को बड़े एक अलग वे के साथ यहाँ डिज़ाइन किया। तो चल के देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर अपने लिए, आपके लिए। तो दोस्तों फ्रंट पे अपने पास जो यहाँ पर एक तरफ आपका पॉच एरिया आ जाता है, इजीली हम यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है बाहर खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट वगैरह तो हमारे घर आते ही रहते हैं। और आप देख रहे हैं बाहर की वॉल भी जो है ड्यूल टोन के अंदर हमने यहाँ पर बनाई है, हल्का लाइट शेड आपको मिल जाता है, प्लस डार्क शेड आपको टाइल के साथ मिलता है। ऊपर यहाँ पर आपको ग्लास टोन मिल जाएगा, और जब यहाँ पर हम गेट की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा पिलर हमें इस तरफ नज़र आता है, दूसरा पिलर इस तरफ नज़र आता है। तो दोनों ही पिलर बड़े अच्छे शानदार लुक्स के साथ हमें ग्रेनाइट के अंदर मिलने वाले हैं, और बीच में इसके अंदर हमारा गेट जो कि स्टेनलेस भी है, प्लस आपका जो है वुडन टेक्सचर के साथ भी मिलता है। और इसके बाद में आपको ना ले चलता हूँ ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे एक बड़ा सा फ्रेम आपको नज़र आएगा, वुडन फ्रेम, जैसे हमारे घर के अंदर एक फ़ोटो फ्रेम होता है, तो बिल्कुल उसके बीच में एक फ़ोटो आपको नज़र आएगी जिसके अंदर आपकी बालकनी है, ग्रीनरी आपको थोड़ी सी मिल जाएगी, प्लांट्स मिल जाएंगे, प्लस टाइल वर्क है। तो लुक्स आपके जो फ्रंट है ना बड़ी शानदार, बिल्कुल अलग ही चीज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। और उससे भी अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन मिलेगा, जहाँ पे एक तरफ आयरन ग्रिल्स है और प्लस ऊपर कुछ सेटिंग एरिया बनाया, वो हम ऊपर चल के ही देखेंगे। तो यहाँ से अभी हम बढ़ते आगे अंदर की तरफ, तो हमने ना एक तरफ यहाँ पे स्टेप्स आपके बनाए हैं। सो आप चलते फिरते पूरा गेट ना ओपन करने का मन हो तो सिर्फ इतना सा गेट ओपन करके आप अंदर आ जाए, क्योंकि आना अकेले बंदे ने, पूरा गेट क्यों खोलना हमने। तो यहाँ पर वैसे हमने स्लाइडर यहाँ लगाया हुआ है, सो आपकी जो गाड़ियाँ हैं बड़े आराम से यहाँ पर लग जाए। तो यहाँ पर एक हैचबैक और एक सिडान दोनों यहाँ पर लग सकती हैं बहुत आराम से, और तीसरी गाड़ी आपकी बाहर लग सकती है। काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है आपका यहाँ पर सराउंडिंग्स के अंदर, आसपास आपको पार्क्स मिल जाते हैं, मार्केट बिल्कुल घर के पास है, और लोकेशन आपकी सेक्टर 125 मोहाली, जिसे सनी इनक्लेव के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ये लोकेशन आपको मिल जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन है, यूजली इसको लोग खाली छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डिज़ाइन वर्क पूरा यहाँ पर किया है, चाहे वो वुडन डिज़ाइन हो, चाहे वो लाइटिंग हो, या फिर किस भी चीज़ हो। और सीसीटीवी कैमरास हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिए हैं, सो आपके घर के अंदर सिक्योरिटी जो है वो पूरी प्रॉपर रहेगी यहाँ पर सारा टाइम। और घर में अपने ना अगर टू व्हीलर्स भी हैं तो उनके लिए अलग से यहाँ पर पार्किंग एरिया बहुत आराम से मिलने वाला है, हल्का फुल्का हमने पॉइंट यहाँ पे और छड़े हुए हैं पानी के, तो कि आप गाड़ी वाड़ी अगर धोनी है तो आप अंदर ही धो सकें। और उसके बाद मैं आपको ना यहाँ पर लेके आता हूँ जो बिल्कुल अलग चीज़ें आप देखने वाले हैं अब। तो यहाँ पे अपने पास एक वॉल है, और इस वॉल के अंदर ना आपको स्ट्रिप लाइट्स नज़र आएंगी, तीन यहाँ पर, तीन ऊपर, शायद ऊपर वाली अभी नज़र ना आए। तो हमने इसके अंदर जो डिज़ाइन छोड़े हैं, इन डिज़ाइन के अंदर हमने जो है लाइट्स लगाई हैं, सो जो रात का इसका मज़ा होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है।
और बीच में आपको टाइल वर्क मिलने वाला है, तो एक अलग लुक आपके घर की ना यहाँ पर रहती है। सेम पैटर्न हमने बाहर भी दिया लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं लगाई, लेकिन अंदर हमने नीचे से ऊपर तक आप जितना देख रहे हो ये पूरा लाइट्स के साथ कवर्ड है, तो एक अलग लुक आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद हमारी यहाँ पे कॉर्नर विंडो आती है जो सारी टफन है, घर की जितनी भी विंडोज़ रहेंगी वो सारी टफन रहेगी, और ये सेंसर यहाँ पर लगा सकते हैं आप किसी विंडो पर अगर आप लगाना चाहते हैं, वायरिंग सारी जगह हो चुकी है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ एक स्टेप ऊपर जहाँ पर नीचे लाइट्स लगी हुई हैं। देखिए ऊपर स्टेप आते हैं तो स्टेज वाली फीलिंग यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर, और मेन डोर को भी सिंपल नहीं रखा है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे काम किया गया। आप देखेंगे एक तरफ टाइल वर्क है यहाँ से ऊपर की तरफ, उस टाइल वर्क के अंदर भी ना आपको जो है स्ट्रिप लाइट मिलेगी, स्टोन लुक है बिल्कुल, अलग लगता है कि हाँ बिल्कुल एक अलग काम किया गया। एक काम होता है जैसे कहते हैं हमने दीवारें बनाई, दीवारों के पेंट किया, काम ख़त्म किया, नहीं, यहाँ पे दीवारों के ऊपर और कारीगरी की ताकि जब भी आप यहाँ रहें सालों साल तक आपको अपना घर नया लगे, और जब भी आपके गेस्ट को यहाँ आए चाहे 10 साल बाद भी आए ना तब भी एक ही बात करेंगे, आपके घर की बात अलग है, तो रौनक तो यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा जो कि टीक वुड आपको मिलने वाला है, प्रॉपर टीक वुड रहेगी इस घर में, जितनी भी वुडन आपकी यूज़ हुई है टीक ही हुई है। तो बीच में आपको वायर मैश मिलेगी, प्लस कैरो की तरफ से आपको जो है डिज़ाइनर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, और इस तरफ तो डार्क शेड आपने देख ही लिया। चलिए इसको ओपन करते हैं, और इसे ओपन करते हैं तो अगेन हमारा जो मेन डोर है ये भी डिज़ाइनर आपको मिलने वाला है, टीक के साथ ही सारा डिज़ाइन किया गया है, पॉलिश की है, ज़िगज़ैग आपको थोड़े से जो है पैरामिड शेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तो जब आप क्लियरली आके देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आएंगी ये। और यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप डिज़ाइन मिलने वाला है अलग से, तो लुक्स काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। प्लस यहाँ पे कूबा की तरफ से आपका जो है डिजिटल डोर लॉक आपको मिल जाता है, तो आप मोटा मोटा लगा लीजिए कि टीक वुड ऐसा हम पूरा दरवाज़ा सेट ये पूरा बना रहे हैं तो 15 का तो ये लगा लीजिए, 30 का लगा लीजिए, तकरीबन 50,000 का जो डोर ही बन जाता है। माफ़ी चाहूँगा मैंने वैसे बताया, सो आपको एक आइडिया हो सके कि कहाँ कहाँ खर्चे यहाँ पर हुए हैं। तो हम अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद हमारा वेलकम करता हुआ ये पैसेज, ऊपर की तरफ स्ट्रिप लाइट्स है, डिज़ाइनर है, ये लैंप जो आप बीच में देख रहे हैं ये आपका सेंसर लैंप रहेगा, तो कुछ देर बाद ही अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो हमारे लिए एक ग्रैंड एंट्रेंस है जहाँ पे हमारा ड्राइंग एरिया शुरू हो जाता है, तो ड्राइंग एरिया की खूबसूरती बिल्कुल अलग है, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर, जैसा मर्जी सोफा रखिए व्यू बड़ा अच्छा आने वाला है। उसके बाद एक बड़ी विंडो है जो हम बाहर से देख रहे थे टफन वाली, तो यहाँ से बाहर का व्यू बिल्कुल अलग आता है, ग्रीनरी आपको यहाँ पर नज़र आती है, आसपास के अच्छे खासे घर जो बने हुए हैं डिज़ाइनर होम्स वो सारे हमें नज़र आते हैं। और इस वॉल पे हमने एक लाइट शेड के साथ एक वॉलपेपर लगाया, सो आप कंट्रास्ट में अगर आप यहाँ पे सोफ़ा सेट लगाएंगे तो बहुत ही शानदार लगने वाला है। उसके बाद सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे तो स्ट्रिप लाइट्स आपको मिलने वाली है, गोल्डन लुक्स के साथ स्ट्रिप आपको मिलने वाली है, प्लस झूमर आपको मिलने वाले, एक अलग लुक आपको यहाँ मिल जाती है। और हमने आपके ड्राइंग एरिया में और बाकी एरियाज के लिए बीच में एक दरमियान एक हल्की सी पार्टीशन रखी है जो कि हल्का सा टेंटेड ग्लास मिलेगा जिसके अंदर डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा, तो पार्टीशन भी है अगर आप देखना भी चाहते हैं ढंग से तो देख भी सकते हैं, और जो जगह बीच में कुछ खाली जगह भी छोड़ी हुई है सो दैट आपको जो है हवा क्रॉस होती रहे। तो हर चीज़ का ध्यान हमने यहाँ पे पूरा रखा है कि आप यहाँ पर सिर्फ परेशान ना हो, इन्जॉय करें इस जगह को पूरा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और सेम उस पैसे से होते हैं हम पहुँचते हैं अपने एक ड्राइंग एरिया के, सॉरी डाइनिंग एरिया, और दूसरी तरफ हमारा लिविंग एरिया। सो दोनों चीज़ें आपके बिल्कुल साथ रहने वाली है, आप ये लगा लीजिए 29 फीट की आपके पास ये पूरी स्पेस रहने वाली है जिसके अंदर एक तरफ आपको स्टेयर्स नज़र आ रही होंगी, सीलिंग पर एक अच्छा खासा काम आपको नज़र आ रहा होगा जो कि एक अलग लेवल के साथ है। उसके बाद जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग आर्किटेक्ट माइंड आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ें छोटी होती है लेकिन हमारे घर के अंदर ना ये बड़े ही कारीगर होती है, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आपकी किचन के सामने ही हमने यहाँ पे सिंक रखा जो कि बाउल शेप के अंदर है, स्टोरेज के साथ है। उसके बाद हल्का फुल्का डिज़ाइन, यूजली इसको क्रॉकरी सेट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता तो हमने उसको सारा कवर्ड किया, लेकिन हमने कुछ एरिया जो था यहाँ पर उसको ओपन रखा है, और सॉरी इसको भी कवर्ड किया लेकिन इसे सेमी ओपन के हिसाब से रखा है। डार्क ग्लासेस यहाँ पे रखे हैं, सो जितनी भी अगर आप क्रॉकरी इस तरफ रखते भी हैं या कोई और सामान भी रखते हैं तो बहुत आराम से आप रखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके बाद यहाँ पर ईजिली आप अपना जो डाइनिंग टेबल है यहाँ लगा सकते हैं और फैमिली के साथ यहाँ इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी जो किचन है वो शुरू हो जाती है। किचन आपको बिल्कुल प्रॉपर मॉडलर मिलती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपके सारे कंप्लीट रहने वाले हैं। तो खूबसूरत सा आपका डोर रहेगा जो कि वेलकम कर रहा है आपका लैंप्स के साथ, और उसके बाद एक बड़ी सी किचन हमें मिल जाती है जहाँ पे एरकेलिक फिनिश आपको पूरी मिलने वाली है। सो एरकेलिक थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है लेकिन एक लाइफ लॉन्ग एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। प्लस जितना भी आपको यहाँ पर बोर्ड मिलने वाला है वो HDMR बोर्ड रहेगा जो कि जैसे मर्जी आपके हालात हो वो चलता है, कोई भी रस नहीं लगती,
ना कभी टर्माइट की प्रॉब्लम आती है ना किसी और वजह से कभी ख़राब हो सकता है, तो ये लाइफ लॉन्ग चीज़ आपकी रहती है। तो डबल हाइट आपकी रहेगी, जैसा मर्जी सामान हो आप यहाँ पे रख सकते हैं, डबल लेमिनेशन भी रहने वाली है, लुक्स आपकी क्लियर रहेंगी। नीचे टास्क लैंप है, प्लस यहाँ पे आपका चूल्हा हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसके साथ आपका जो है फैबर की तरफ से आपकी चिमनी आपको मिल जाएगी, जो कि टच भी है और सेंसर्स के साथ ही काफ़ी हद तक ये चल जाती है। और उसके बाद अगेन आपके ये सेम कैबिनेट्स आपके आगे चलते हैं। और ठीक इसके बाद दूसरी तरफ आता है आपका एरिया, जहाँ पे आपको जो है सिंक मिलेगा, जो कि बिल्कुल साउंडलेस है। बड़ी विंडो आपको मिलेगी वाइड स्क्रीन वाली, जहाँ से आप बाहर का नज़ारा पूरा ले सकते हैं। और उसके बाद इस कॉलम में हमने जो है आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लगाए हैं। सो आपका माइक्रोवेव हमने ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स कर दिया। उसके बाद आपका जो है OTG ऊपर हमने आपके लिए स्टोरेज रखी है, और शेड हमने सेम रखा ताकि ये देखने में अच्छी लगे, एक अच्छी लुक आए। प्लस इसके बाद आपके लिए जो है पैंट्री यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम सामान यहाँ रख सकते हैं आराम से। आप जितना सामान रखेंगे बड़े खुले डुले तरीके से आप यहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है फ्रिज यहाँ पर आ जाता है, तो एक पूरी किचन में एक शानदार लुक आपको मिल जाती है, कुकिंग, वॉशिंग और इस तरफ आपके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सारी चीज़ें आपको एक ही तरफ बीच में मिल जाती हैं। तो उसके बाद वापस आते हैं अपने डाइनिंग एरिया से, और ठीक यहाँ पर आपका जो है लिविंग एरिया, जहाँ पे एक तरफ हमारा जो था ड्राइंग एरिया था, और उसके बाद इस एरिया के अंदर आपको एक हल्का सा पार्टी और लुक्स आपको अच्छी मिल जाती हैं, जो ग्रेइश वॉल आपको यहाँ बनाई है। नीचे आपके पास जो है स्टोरेज भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम के साइजेस आपको काफ़ी बड़े बड़े आपको मिलने वाले हैं, शेड्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। एंटर करते हैं आपके सबसे पहले नज़र जो है सीलिंग पे पड़ती है, जो कि वुडन स्टाइल के साथ आपको मिलती है। उसके बाद बाकी सीलिंग के अंदर भी हमने स्ट्रिप लाइट और कंसील लैंप्स को पूरा प्रॉपर लगाया है, जगह हमने पूरी रखी है आपके लिए ताकि हर चीज़ का आप पूरा मज़ा ले सके। और यह रहा आपका बेड की बैक वाला एरिया, जो कि पूरे वॉलपेपर के साथ कवर है, और वॉलपेपर भी आपको एक अच्छे लेवल के साथ यहाँ पर मिलते हैं। प्लस दोनों तरफ आपको लैंप्स यहाँ पर हमने लगा कर रखे हैं, ताकि आप जब बेड लगाएं तो उस चीज़ का पूरा मज़ा आप ले सकें। और उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी पूरी वार्डरोब, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरी सीलिंग की हाइट तक आपको मिलने वाली है। डुअल टोन है और स्टोरेज भी आपको यहाँ पूरी मिलने वाली है। तो चीज़ें आपकी ना यहाँ पर पूरी मज़ेदार रहेंगी, सो इनका आप पूरा इंजॉय करने वाले हैं। जगह आपकी पूरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, प्लस इसके साथ आपका जो रहेगा लुकिंग मिरर प्लस स्टोरेज, और ठीक इसके साथ ही आपका टीवी पैनल, जहाँ पे आप बड़े से बड़ा टीवी आप लगा सकते हैं और एक मज़ेदार लुक आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इतना कुछ होने के बाद हमने आपके लिए वॉशरूम जो है यहाँ पर अगेन अटैच रखा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ सीलिंग की हाइट तक टाइल वर्क आपको पूरा प्रॉपर मिलने वाला है। अच्छे से लैंप्स आपको मिल जाएंगे, और जितने भी घर के अंदर लैंप्स आपको सीलिंग के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये सारे लैंप्स आपको जैगवार कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। और हमने एक खास चीज़ यहाँ पर हर बेडरूम के अंदर रखी है कि आपको ना अगर सीलिंग पे देखेंगे आपको स्पीकर्स नज़र आएंगे, तो हमने हर रूम के अंदर जो है यहाँ पर होम थिएटर यहाँ पर डिज़ाइन किया। सो जब भी आप अपना टीवी यहाँ लगाएंगे तो इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो पूरे घर के अंदर या पूरे रूम के अंदर एक सराउंड साउंड अच्छी सी बनती है, जो एक बिल्कुल अलग लेवल का मूवी थिएटर वाला फीलिंग आपको यहाँ पर देने वाली है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो, जहाँ से लाइट पूरे प्रॉपर आपके घर के अंदर आने वाली है। तो इससे बाहर बढ़ते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आने के बाद अपने पास सेकंड बेडरूम, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही मिलेगा। और मैं बताऊँ आपको, सारे के सारे डोर्स जितने रहेंगे 8 फीट के डोर हाइट के रहेंगे, सारे के सारे सुडान टीक के आपको मिलने वाले हैं, तो एक अच्छी लुक आपको मिल जाती है। अंदर आने के बाद यहाँ पर भी हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, एक अच्छी लुक हमें मिलती है, चाहे वो सीलिंग की बात हो, जहाँ पर आपको स्ट्रिप लैंप्स हैं प्लस वुडन लुक्स के साथ आपको डिज़ाइन मिलने वाले हैं, तो खूबसूरती आपको हर जगह यहाँ पर मिल जाती है। वैसे ही आप देखेंगे इस बेड की बैक वाली जो जगह होती है उसके ऊपर भी एक खूबसूरत सा वॉलपेपर आपको मिलेगा। रूम की जो थीम यहाँ पर आएगी ग्रेइश रहने वाली है, हल्की सी जो आपको फीलिंग जो यहाँ पर आएगी हल्की सनमाइका वाली फीलिंग आपको पूरे घर के अंदर यहाँ पर आने वाली है, सॉरी मार्बल वाली। दोनों तरफ आपके लैंप रहेंगे, ठीक यहाँ पर जो है आपका पूरी वार्डरोब आपको पूरी प्रॉपर मिल जाएगी, अगेन स्लाइडर्स के साथ एक अच्छी लुक आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक बेड के सामने आपको टीवी पैनल मिलेगा और एक अच्छी हाइट पे है, सो आपकी आंखों पे जब आप बेड पे बैठकर आप टीवी देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, तो कोई स्ट्रेन ना बढ़े, एक सही लेवल पे इसको बनाया गया है। और हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है नीचे से ऊपर तक,
एक अच्छी लग्जरी लुक जो होती है वो आपके घर के अंदर हर तरह से रहे। ठीक इसके साथ आपका जो है यहाँ पर बड़ा सा जो है ग्लास के साथ आपको एक यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा। और हमने वॉशरूम को अगेन यहाँ पर अटैच रखा है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा सामान यहाँ पड़ा है, लेकिन आपको साइज़ जो है वो पूरा मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर सनलाइट पूरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ हमने पीछे जो है आपके लिए वॉशिंग एरिया रखा है। तो वॉशिंग क्लोथिंग हो पूरी यहाँ पर होने वाली है। सनलाइट आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी है। देखिए धूप यहाँ पर पूरी आती है। तो ये मज़ेदार बात है कि आपके घर में आगे से पीछे से हर तरफ से सनलाइट जो है वो पूरी है। और वापस हम अपने इस लिविंग एरिया की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पर स्टेयर्स हैं और जो हमें ले जाएंगी ऊपर की तरफ। उससे पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके कभी मिस ना हो। और ऊपर बढ़ते यहाँ पर हमारे रहेंगी स्टेयर्स, जो कि ग्रेनाइट की रहेंगी, और इसके साथ टफन के साथ आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। तो एक अच्छी लुक आपको यहाँ मिल जाती है। ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर एक शानदार सा वॉलपेपर के साथ आपका वेलकम करता हुआ ये एरिया, जहाँ पे ऊपर एक झूमर भी आपको मिलने वाला है। और इस एरिया के अंदर जो है वॉल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम किया गया है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, झूमर हमें नज़र आता है, इसके साथ ऊपर वो सनरूफ नज़र आती है, जहाँ से लाइट पूरी अच्छी खासी नज़र आ रही है। और इनके से अगर शारात की बात हो तो मून लाइट की तो यहाँ बात ही क्या करनी। और यहाँ दोनों तरफ जो है आपको वुडन डिज़ाइन बहुत ही अच्छे खासे मिल जाते हैं। और उसके बाद ये हमारा आ जाता है फैमिली लॉन्ज, जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ बैठ के इंजॉय करने वाली है। टीवी पैनल हमने यहाँ पर लगा दिया है, सीलिंग डिज़ाइन आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा, जहाँ पर अगेन आपको जो है स्पीकर्स मिल जाएंगे। इसके बाद छोटा सा पेंट्री एरिया हमने यहाँ पर ड्राइंग किया, ताकि आप इजीली ऊपर जो रह रहा है इस चीज़ का पूरा मज़ा ले सके। प्लस एक पूजा स्पेस, घर के अंदर एक ऐसी जगह होनी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका घर का थर्ड बेडरूम। काफ़ी शानदार लुक्स है इस बेडरूम की, स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, एक अच्छा सा वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है, सीलिंग पे भी अच्छी लुक्स आपको मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक ही बेडरूम में मिल रही हैं। सो खूबसूरती इसके बिल्कुल अलग हमें यहाँ पर नज़र आती हैं, स्ट्रिप लाइट्स हों या फिर कंसील लैंप्स हों, और रूम थिएटर जो है ना वो हर रूम के अंदर हमें मिल जाता है। और इसके अलावा जो आपका ड्रेसिंग है और आपका जो है आपका स्टोरेज, मतलब कि जितने भी आपकी वार्डरोब्स हैं उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया। सो आपका जो रूम है ना वो पूरा बड़ा रहे, तो मास्टर बेडरूम वाली जो फीलिंग है आपको वो यहाँ पर पूरी आने वाली है। तो हर चीज़ को पूरे एक अच्छे वे के साथ यहाँ पर डिस्क्राइब किया। और साथ में आपको जो है वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि अटैच रहने वाला है। और इस अटैच वॉशरूम में आपको जो है एक अलग लुक मिलती है। प्लस आपको यहाँ पर जो सीट मैं आपको बता दूँ, बाथटब है वो आपको मिल जाएगा लगा हुआ बिल्कुल। तो लुक यहाँ पर काफ़ी बड़ा वॉशरूम, एक अच्छी स्पेस और एक अच्छा मज़ा। तो यहाँ से बाहर की तरफ वापस आते हैं और यहाँ से बढ़ते एक बड़ी विंडो की तरफ। सो इस गार्डन एरिया के अंदर, इस बालकनी के अंदर आपको जो है गार्डन एरिया भी आपका मिल जाता है। प्लांटेशन हमने हल्की फुल्की कर दी जो हम नीचे से देख रहे थे, और ये साइड्स पे वो फ्रेम जो हम नीचे से देख रहे थे, इसकी लुक ऊपर तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी आती है। वुडन क्लैडिंग यहाँ पर सारी की सारी लगी है। माफ़ी चाहूँगा, ये HLP शीट्स हैं जो कि कभी ख़राब नहीं होती और लगातार चलती रहती है, एक अच्छी लुक भी आती है। प्लस आपको यहाँ पर जो है लैंप्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये वाला जो एरिया आप नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो हमें नीचे से कई बार कैमरा में नहीं नज़र आता, एक तरफ आपको ग्रे शेड के साथ टाइल्स मिलती हैं, उसके बाद स्टोन लुक आपको मिलेगी जो ऊपर तक जा रही है, और ऊपर आपको जो है एक फ्रेम मिल जाएगा जो कि आयरन के साथ है और ऑर्नामेंटल है, लेकिन एक अच्छी लुक आपको यहाँ पर दे देता है। तो एक अच्छा एरिया जो है आपको इस बेडरूम के साथ पूरा मिल जाता है। मैं इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम भी कह सकता हूँ, जिस हिसाब से इसकी खूबसूरती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे और बढ़ेंगे अपने घर के नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। तो सारे बेडरूम एक दूसरे के साथ अटैच यहाँ पर इस तरीके से मिलने वाले हैं कि हवा का जो संतुलन है पूरे घर के अंदर बना रहे। तो यहाँ पर आपके घर का फोर्थ बेडरूम रहेगा, अगेन ग्रे थीम है, एक अच्छा सा वॉलपेपर, दोनों तरफ हमने लैंप्स यहाँ पर लगा दिए हैं, होम थिएटर का ध्यान हमने हर रूम के अंदर रखा है। शायद आपको ये स्पीकर्स हर जगह ना नज़र आ रहे हो, लेकिन जब आप आएंगे तो क्लियरली आपको नज़र आ जाएंगे। तो बड़ा सा यहाँ पर टीवी पैनल आपको मिल जाएगा, और ठीक इस तरफ एक बड़ी सी विंडो। तो लाइट तो पूरे घर के अंदर आपके लिए पूरी यहाँ पर आने वाली है। गर्मी हो या सर्दी हो, आप इस चीज़ का पूरा मज़ा यहाँ पर लेने वाले हैं। वॉशरूम आपको अगेन यहाँ पर अटैच मिलने वाला है।
एक अलग लुक्स के साथ। तो यहां से आते हैं बाहर की तरफ और अब अपने पास एक एरिया जहां पे आप पे इजीली पार्टी कर सकते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। वैसे ही ओपन टेरेस हमने थोड़ा सा रखा है, अगर आप शाये हैं सामने की बालकनी में नहीं बैठना चाहते तो इस बालकनी का इस टेरेस का पूरा मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे धूप भी पूरी आती है। वॉशिंग क्लोथिंग अगर आप इस तरफ करना चाहते हैं तो वो भी आप पूरी कर सकते हैं। तो ये स्टेयर्स जहाँ पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है प्लस आपके ग्रेनाइट की स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। सो ये स्टेप्स हमें ले आते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी टेरेस है जिसका हम पूरा मज़ा लेने वाले हैं। टाइल वर्क हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, आसपास के घर सारे बन रहे हैं, ग्रीनरी आपको पूरी मिलेगी। और उसके बाद एक एरिया जो कि बिल्कुल एक ग्रीनरी के साथ भरा हुआ है और एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप रोज़ आकर एक बार बैठना ज़रूर पसंद करेंगे। और हमने ऑलरेडी यहाँ ग्रास कारपेट यहाँ पे बिछाया हुआ है जो कभी भी गंदा नहीं होता, इजीली आप सिर्फ पानी की पाइप ले मार दे सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। ये प्रॉपर एक अलग ग्रास कारपेट है, नॉर्मल नहीं आपको मिलता ऐसा। ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन अच्छा मिल जाएगा ताकि लाइट जो है वो पूरी आती रहे और एक अच्छी लुक भी बने। इस वॉल को हमने एक अलग लुक से यहाँ पर डिज़ाइन किया, हल्की सी ग्रीनरी यहाँ पर मेंटेन की है, किसी भी एरिया को हमने यहाँ पर खाली नहीं छोड़ा है। और उसके बाद एक काउंटर हमने यहाँ पर बना दिया है। तो ये हमारी अपनी विश है कि हम इसे बार की तरह रखना चाहते हैं, किस तरीके से रखना चाहते हैं। कई बार घर में पार्टी करने का मन होता है, अपना घर है, जैसे मर्ज़ी पार्टी कीजिए, तो यहीं पे आप सारे डिशेस रख के सर्व कर सकते हैं। एरिया काफ़ी अच्छा खासा है, बाहर जाके पार्टी करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो इस चीज़ का आप मज़ा पूरा लेने वाले हैं। आसपास के घर आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। और तकरीबन ना एक चीज़ होती है, कई बार हमारी पार्टियाँ बारह टाइप की होती हैं तो जगह पूरी रखी होगी सारी स्टोरेज हर सामान के लिए, और एक आध कोई बंदा होता जो ज़्यादा परेशान होता है या परेशान कर देता, तो उसके लिए हमने एक मल्टीपर्पज़ रूम यहाँ पर बनाया हुआ है। सो आप इसे स्टडी रूम या कैसे भी बनाना चाहें इसको कर सकते हैं, बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। तो फिफ्थ बेडरूम आपको इस घर का यहाँ पर मिल जाएगा जिसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। माफ़ी चाहूँगा सामान यहाँ पर पड़ा है, लेकिन जब तक आप यहाँ पर आएंगे तब तक ये सारा कुछ क्लियर होगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 5 बेडरूम हॉल किचन के साथ एक अच्छी लग्जरी डिज़ाइन है, आसपास का पीसफुल एरिया है, पार्टी एरिया भी आपको इसी घर के अंदर मिल जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे भी बादशाह प्रॉपर्टी के नाम से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे एक और घर के साथ, तब तक इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।